हेलो नमस्कार दोस्तों, ई कल्याण के स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले हैं। हाँ देखिए, बहुत बच्चों का बहुत सारा डाउट्स है कि आपका डबल ए अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है, किसी का डबल ए पेंडिंग चला जा रहा है, ठीक है, किसी का डीएनओ पेंडिंग है तो किसी का डीएनओ अप्रूव्ड है, किसी का डीएलसी बहुत दिन से अप्रूव्ड हो रखा है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, क्योंकि डबल ए अप्रूव्ड होगा तभी पैसा आएगा, और बहुत लोगों का रिसबमिट दिखा रहा है। तो आज सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम। ये इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ई कल्याण ऑफिस जाके अपने डाउट्स क्लियर करो, बल्कि हम यहाँ पर आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपना ई कल्याण का जिस स्टेज पर भी आप फंसे हो आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हम आपको ये नहीं बताने वाले कि आप कैसे ऑफिस जाके, मतलब ऑफिस नहीं भी जाओगे तो घर बैठे आप अपने ई कल्याण का पैसा मतलब आपका आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात अगर बात करें ई कल्याण के बारे में, तो ई कल्याण का फॉर्म भरता कौन है, यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली भरती है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली भरती है, मतलब जिनका जॉब रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में लगभग वे लोग नहीं भरते हैं, ठीक है। जिनके भी पापा का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब रहता है वे लोग, जो बिजनेसमैन रहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वे लोग फॉर्म भरते हैं। और ई कल्याण का फॉर्म इसलिए भरा जाता है ताकि आपको जो आपका जो पढ़ाई का अमाउंट है जो मतलब आप फीस पे कर रहे हो वह आपको कॉलेज के द्वारा वापस मिल जाए। और डिपेंड करता है, देखो किसी बच्चे कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको 1200-1700-2000 रुपए मिलते हैं, वही कोई अगर जेवियर्स कॉलेज दुमका से कर रहा है तो वहीं पर उसको 12000-15000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 30000 तक मिलता है, ठीक है। कोई बीटेक कर रहा है तो उसको अलग पैसा मिलता है, तो सबको अलग अलग पैसा मिलता है, ठीक है। आप लोगों का जो बोनाफाइड अमाउंट में रहता है, मान लो कि कोई बीटेक कर रहा है, ठीक है, या कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो पॉलिटेक्निक में उसको जो मिलता है पॉलिटेक्निक में अराउंड 12000 के आसपास, कितना 12000 के आसपास मिलता है, तो ये जो 12000 का अमाउंट है उसके बोनाफाइड में लिखा हुआ रहता है तभी उसको मिलता है। अब वो 12000 उसके लिए बहुत कीमती है, क्यों, क्योंकि उसने 12000 से भी ज्यादा 15000 के आसपास अपने फीस में लगाए हैं, ठीक है। अगर वो 12000 मिल जाता है तो उससे वो अपना फूडिंग लॉजिंग मतलब अपना रहने खाने का खर्चा निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बच्चा होगा उसका दिखा रहा होगा रिसबमिट, क्या दिखा रहा होगा, रिसबमिट, ठीक है, यहाँ पर रिसबमिट, ठीक है, रिसबमिट बाय द एप्लीकेंट। उसके बाद आपका दिखाता है डीएनओ अप्रूव, क्या दिखाता है, डीएनओ, डीएनओ से जो है ना वो डीएलसी में आता है, किससे आता है, किस में आता है, डीएलसी में आता है, ठीक है। डीएलसी के बाद आपका डबल ए अप्रूव होता है, क्या होता है, डबल ए अप्रूव, और फिर जाके डबल ए अप्रूव होने के बाद जिसका डबल ए अप्रूव हो जाता है उसको जाके यहाँ पर पैसा मिलता है, ठीक है, उसको यहाँ पर जाके पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो जब लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट क्या था आपका, 25 जुलाई, क्या था, 25 जुलाई, ठीक है, ये एक्सटेंड करने के बाद हुआ था, ठीक है, मतलब डेट को जब एक्सटेंड कर दिया था तो लास्ट डेट 25 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया था, ठीक, उस समय तक आपका फॉर्म भराया था। तो पहली बात यहाँ पर अगर बात करें ये यहाँ पर इसके बारे में, तो जिन लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, ठीक है, जिन लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में अप्लाई किया था तो उन लोगों को बहुत मतलब उसमें से देखो यहाँ पर जो रिसबमिट वाले, ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे, रिसबमिट, टीएनओ, डीएलसी, डबल ए, और यहाँ पर जिनको पैसा मिल चुका है उनके बारे में भी बात करेंगे। देखो दो तरह के बच्चे हैं, तो एक बच्चे जो होता है ना कैफे से अप्लाई करते हैं, दूसरा बच्चा क्या होता है ना कि दूसरा बच्चा घर से ही अप्लाई करता है, ठीक है। मान लो जैसे मेरे घर में लैपटॉप है तो हम अपने लैपटॉप से ही अप्लाई कर दिए, जिसके पास लैपटॉप या मोबाइल फोन से उसको सुविधा नहीं हो रहा तो वो कैफे जाता है, कैफे जाके साइबर कैफे से जाके अप्लाई करवाता है ई कल्याण में। तो वहाँ पर जो वो साइबर कैफे में जाता है तो एक बार जब उसने ई कल्याण का फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो भूल जाता है, जब दोबारा किसी बच्चे से सुनता है कि अरे उसको ई कल्याण का पैसा मिल गया तब वो दिमाग लगाता है कि मेरा पैसा आया कि नहीं, जाके चेक करता है, ठीक है, उससे पहले वो कभी भी चेक नहीं करता। लेकिन जो बच्चा घर से भरता है लैपटॉप से या मोबाइल से भरता है वो कभी कभी स्टेटस चेक करते रहता है, मतलब दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो एकदम फॉर्म भर के भूल जाते हैं, दूसरा जो कभी कभी स्टेटस चेक करते रहते हैं। जो कभी कभी स्टेटस चेक करते रहते हैं उनका चांसेस ज़्यादा रहता है कि पहले आ जाएगा, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं कि मेरा कहाँ अटक रहा है, कहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है या कहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन से अटका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहला है रिसबमिट वाला, तो देखो जो इनका भी रिसबमिट, ठीक है, जिनका भी यहाँ पर अभी भी रिसबमिट दिखा रहा है बहुत कम का होगा, ठीक है। मान लो कि अगर 100% बच्चा है, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर 10000 बच्चे थे तो उसमें से जो रिसबमिट दिखा रहा होगा तो रिसबमिट कितना का दिखा रहा होगा, मात्र मान के चलो तो 50 बच्चे का, कितना, 50 स्टूडेंट्स, कितना, ये 10000 मैंने अनुमान लिया है, बच्चे तो 1 लाख होंगे, कितने होंगे, बच्चे 1 लाख से भी ज्यादा होंगे, ठीक है, ई कल्याण में आपके बच्चे 1 लाख से भी ज्यादा होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिया, तो ये इतने जो बच्चे होंगे स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स उनका रिसबमिट में दिखा रहा होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है आपको पता है, डीएनओ और डीएलसी वालों का, ठीक है। मेरे एक दोस्त का डबल ए अप्रूव्ड हुआ, ठीक है, ठीक है, वो नॉर्मल बीकॉम कर रहा था, मतलब ऐसे कॉलेज से जिसकी फीस है मतलब सालाना फीस उसकी लगती है जो 1500 रुपए, कितने, 1500 रुपए, तो उसको जो मिला अमाउंट 1200 रुपए किस महीना में मिला, उसको जुलाई में ही मिल गया था, ठीक है, उसको ये 25 जुलाई को ही मिल गया था, कब मिल गया था, 25 जुलाई जो लास्ट डेट था उसी दिन उसको 1200 रुपए मिल गए थे। लेकिन सेम उसी मतलब अभी हाल फिलहाल में
अभी आपका मान के चलो तो 2 अगस्त के आसपास, किस कब 2 अगस्त, ठीक है 2 अगस्त के आसपास जेवियर्स कॉलेज दुमका है SKMU के अंदर में, उसने क्या किया, उसने अपने बीकॉम वाले बच्चे, बीकॉम का उसका जो फीस रहता है उन लोगों का लगभग 15,000 के आसपास, कितना 15,000 के आसपास, तो उनको उन लोगों को जो है 12,000 दिया गया, क्या दिया गया 12,000 दिया गया। तो वहां पर जैसे कि मान लीजिए कि उनका भी डबल अप्रूव था तभी ना मिला, तो जो 12,000 रुपए उन्हें दिए गए, तो मान लो कि अगर क्लास में उनके क्लास में अगर वहां पर 100 बच्चे थे, तो उन 100 बच्चों में से 6-7 बच्चों का नहीं आया है, 6-7 बच्चों का नहीं आया है, उन लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन उन 6-7 बच्चों का नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया, तो ये बोला जाता है कि उनका टेक्निकल फॉल्ट हो गया, क्या हो गया टेक्निकल फॉल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों के बारे में, डिप्लोमा यहाँ पर डिप्लोमा में कौन आ गया, डिप्लोमा में जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो लोग 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करते हैं ना, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उनका भी अभी 12,000 रुपया आया, जिनका भी डबल अप्रूव हुआ था पॉलिटेक्निक में उनका 12,000 रुपया आया। जो बच्चे देख रहे होंगे अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उनका 12,000 रुपया आया, ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का मैंने बताया, तो यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन में हुआ क्या कि ये जो बच्चा को 1200 आया, ये क्या था शेड्यूल कास्ट, ये क्या था शेड्यूल कास्ट, लेकिन वहीं पर एक ओबीसी बच्चा था, ठीक है, उसका भी फीस लगा कितना, उसका भी फीस 1500 रुपया लगा, ठीक है, लेकिन उसे 6000 रुपया है, ठीक है, उसे 6000 रुपया है। अब ये डिफरेंस कैसे हो गया, उसको 6000 रुपया कैसे आया, सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो इनकम सर्टिफिकेट, आय, इनकम मतलब क्या होता है आय, ठीक है, आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो, ठीक है, आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो, जो आप वहां पर ई कल्याण में चढ़ाते हो ऑनलाइन, जिसको आय बोलते हैं, क्या बोलते हैं आय बोलते हैं, तो आप जो आय बनाते हो आय प्रमाण पत्र, तो उसमें जो आप आय देते हो क्या, मतलब आपकी जो सालाना इनकम क्या है, आपकी सालाना इनकम क्या है, तो अगर आप 1,00,000, ठीक है, अगर आप 1,00,000 से ऊपर देते हो, ठीक है, 1,00,000 से ऊपर देते हो तो उसमें आपको दिक्कत होती है, कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप 1,00,000 से कम देते हो, less than 1,00,000, ठीक है, less than 1,00,000, जो कि अराउंड आपका बोल सकते हैं 80,000 या 90,000, ठीक है, 80,000 या 90,000 के आसपास देते हो, तो वे आपके बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलने का ज्यादा चांस रहता है। देखो ई कल्याण में ये देखा जाता है ना कि किसको पैसा का जरूरत ज्यादा है, मान लो सामने में अगर 1,00,000 बच्चा है, तो 1,00,000 बच्चा में से वो देखेगा कि कौन, अगर 60-70,000 ऐसे बच्चे, मतलब उसमें से 50% 50,000 जो बच्चे जिनको पहले देना है, देखता है किसको जरूरत ज्यादा है, किसने पहले अभी तक नहीं उठाया है, ठीक है, इस हिसाब से भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, इस हिसाब से भी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो बच्चा का 6,000 मिला, तो उसका इनकम में 80,000 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था इनकम सर्टिफिकेट में, आय में 80,000, और जिसको 1,200 मिला उसका इनकम में 1,20,000 दिया हुआ था, 1,20,000 दिया हुआ था। तो यही अंतर है, तो ये अंतर है कि आपको पैसा मिलने में अंतर हो जाता है, मतलब ई कल्याण में जो आप लोगों को पैसा मिलता है तो बहुत चीज पर डिपेंड करता है कि आपका आय में कितना आय दिया हुआ है, सालाना कितना कमाते हैं, ठीक है, और आपने पहले पैसा उठाया है कि नहीं। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, पॉलिटेक्निक भी आपका 3 साल का होता है, ठीक है, 11-12 2 साल के होते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ना कि आपने पहले पैसे उठाए हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा बच्चा है जो ग्रेजुएशन में एक बार भी नहीं उठाया, आखिरी बार ले रहा है, तो ऐसा भी होता है कि उसको ज्यादा मिल जाता है सब बार का जोड़ के, या आपने पिछले बार भरा था ई कल्याण में, पिछले बार फॉर्म भरा था लेकिन किसी कारणवश आपको पैसा नहीं मिल पाया, तो पिछले बार का भी जोड़ के मिल जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं, आपका DNO DLC डबल अप्रूव, कि आपको क्या करना है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखो डबल अप्रूव वाला का, तो यहाँ पर 100% मैं बोल रहा हूँ कि 100% आपका मिलेगा। कब तक मिलेगा आपका, ये आपका जो मिलेगा ना, ये आपका अक्टूबर का एंड तक मिलेगा। कब मिलेगा, अक्टूबर का एंड तक मिलेगा, जिनका डबल अप्रूव्ड है, ठीक है। अभी DNO DLC के बारे में बताएंगे, जिन लोगों का डबल अप्रूव्ड है, अगर 2 महीना से भी है, 4 महीना से भी है, लेकिन नहीं मिला है, तो उनका अक्टूबर का एंड, मतलब अक्टूबर खत्म होने से पहले डबल अप्रूव्ड वाले को पैसा मिलना शुरू हो चुका है, मिल जाएगा। अगर अक्टूबर एंड तक नहीं मिलता है, तब आप क्या कर सकते हो ना, वेबसाइट पर, ठीक है, ई कल्याण के वेबसाइट पर ही उनका ईमेल दिया हुआ रहता है, आप उस पर ईमेल कर सकते हो। ईमेल करने से क्या होता है ना कि आपको पैसा जल्दी मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है, ईमेल करने से आपको पैसे जल्दी मिलने के चांस रहते हैं, या वहां उनका मोबाइल नंबर दिया रहता है, आप मंडे टू सैटरडे में उनको कॉल कर सकते हो। और जिनके घर के आसपास ई कल्याण ऑफिस है, मैंने बोला था कि मैं ये बोलूंगा कि ई कल्याण ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन जिनको अक्टूबर एंड तक भी नहीं मिलता है डबल अप्रूव वालों को, वे जाएंगे। अब बात करते हैं DNO और DLC वालों के बारे में, किसके, जिनका DNO अप्रूव्ड या DNO पेंडिंग, DLC अप्रूव्ड या DLC पेंडिंग है, उनको क्या करना है, ठीक है। रिसबमिट वालों को तो अभी समय लगेगा, रिसबमिट को अभी कम से कम और 15 दिन लगेगा, कितना दिन, जिनका रिसबमिट है 15 दिन बाद वो DNO में शिफ्ट होने वाले, लेकिन जो पहले से DNO और DLC में अटके हुए, देखो ये ऐसा फेज है ना DNO और DLC, ये अगर इसमें फंस जाते हो ना तो बहुत समय लगता है, ठीक है। जिनका ये जल्दी जल्दी क्लियर होकर डबल ए में पहुंच गया हो, तो उसका तो 100% पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। कोई अगर बोलता है कि मेरा डबल ए अप्रूव्ड है, हमको 2 महीना से नहीं मिल रहा है, अरे तो भाई तुम 2 महीने से कर क्या रहे थे, तुम एक बार भी एक दिन भी ई कल्याण ऑफिस नहीं जा सकते थे,
क्या मतलब हुई, तुमको सरकार से जो पैसा मिल रहा है, सरकार का तुम एक आधार कार्ड में फोटो चेंज कराना चाहते हो अगर अपना, तो तुमको कितना बार दौड़ना पड़ता है, 2 से 3 बार बैंक में जाके आधार कार्ड में फोटो चेंज करवाना पड़ता है ना, बैंक में जो बैठता है वहां पर साइड में आधार कार्ड चेंज करने वाला, तो उसके पास उतना बार दौड़ना पड़ता है तुमको, मतलब सरकारी कोई भी काम के लिए दौड़ना पड़ता है। तो ये भी आप सरकार से ही पैसा ले रहे हो, तो अगर आपका डबल ए अप्रूव्ड है 2 महीना से लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार आपको तो ई कल्याण ऑफिस जाके पता करना चाहिए ना कि क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। आप बात करने का तरीका चेंज करो, आप वहां पर बोलो कि हम रिटन कंप्लेन देंगे अगर आप नहीं बताइएगा तो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर डीएनओ और डीएलसी, तो जिनका भी डीएनओ अप्रूव्ड और डीएलसी अप्रूव्ड होके आगे नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो देखो डीएनओ वालों का जो पढ़ने में समय लगता है मिनिमम एक महीना में वो डीएलसी पर आएगा, ठीक है, और डीएलसी वाला डबल ए अप्रूव्ड होने में कितना लगता है, 1 महीना। अगर अभी आपका 30 डेज नहीं हुआ है, ठीक है, आप डीएनओ में फंसे हो, 30 दिन नहीं हुआ है तो वेट करो, डीएलसी हो जाएगा। डीएलसी में हो, 30 दिन नहीं हुआ है तो वेट करो, डबल ए अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 30 दिन से ज्यादा का समय लेता है, ठीक है, मोर देन 30 डेज, अगर आप डीएनओ में है लेकिन 30 दिन से ज्यादा हो गया, डीएलसी में फंसे हुए हैं लेकिन 30 दिन से ज्यादा हो गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको ई कल्याण ऑफिस जाना है। अगर आप चाहते हैं कि ई कल्याण ऑफिस ना जाए, घर बैठे काम हो जाए, आप चाहते हैं कि ई कल्याण ऑफिस ना जाए, घर बैठे काम हो जाए, जब आप ई कल्याण के वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां नीचे में उसका ईमेल दिया हुआ रहता है, क्या रहता है, जीमेल या ईमेल जो भी बोलिए, और उनका मोबाइल नंबर दिया रहता है, तो आप जीमेल कर सकते हो, उनके मोबाइल नंबर पर भेज सकते हो। होता क्या है ना, ई कल्याण में मान लो कि पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ही नहीं आ रहा था, ठीक है, मेरा बहुत दिन से पेंडिंग में था, तो वहां पर होता क्या है ना कि जब पैसा आपका पेंडिंग में रहता है तो आपको क्या करना है, जब आप जीमेल करते हो, ठीक है, जब आप पूरे डिटेल्स के साथ उनको ईमेल करते हो, ठीक है, पूरे डिटेल के साथ उनको ईमेल भेजते हो, तो ईमेल भेजने से क्या होता है ना कि उसमें आप अपना ये भेजते हो कि ई कल्याण का आपका मतलब ये ई कल्याण में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, अंदर में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब वो उनके पास जाता है तो उस पर वे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए ये किसके लिए बता रहे हैं, ईमेल कौन करेगा, फोन कौन करेगा, जिसके घर से बहुत दूर है ई कल्याण का ऑफिस, लेकिन जिसके घर के आसपास है ई कल्याण का ऑफिस, उसको क्या करना है, उसको घर बैठे, ठीक है, उसको मतलब अगर जिसके घर के आसपास है हुए तो ई कल्याण ऑफिस चला जाएगा, जिसके घर के आसपास में ई कल्याण ऑफिस है, ई कल्याण ऑफिस जाने के बाद काम नहीं होता ऐसा तुम बोल ही नहीं सकते, 100% काम होता है, ठीक है, 100% काम होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो वहां तुम रिटर्न कंप्लेन दे सकते हो कि मेरा काम कीजिए। और जिनके घर से बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है ई कल्याण का ऑफिस, उनके लिए एक वेबसाइट पर जाओ, वहां से ईमेल करो। अगर तुमको ईमेल करने में दिक्कत हो रहा है, कॉल करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम एक वेबसाइट पर वीडियो बना देंगे कि कहां पर तुमको ईमेल मिल जाएगा, किस तरह से करना है, उसमें रिटर्न मटेरियल क्या लिखना है, ताकि तुम्हारा पैसा आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत होता है, तुम किसी भी स्टेज में अटके हो, किस कारण से अटके हो, तुम्हारा बैंक से आधार लिंक है कि नहीं, अगर कोई भी उस तरह का दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछो, हम जरूर आंसर देंगे, या उस पर एक वीडियो बना देंगे, जो कमेंट तुम करोगे, जो दिक्कत होगा तुम्हारा, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।